नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। वर्ष 2014 के बाद दुनिया में भारत ने अपनी जो जगह बनाई है, जिस तरह से पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है, क्या विदेशी ताकतों को यह रास नहीं आ रहा जो मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी की पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का सच क्या है? इसका दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया है, लेकिन भारतीय दर्शक इसे नहीं देख सकते क्योंकि भारत सरकार ने आपातकालीन कानूनों का इस्तेमाल कर इस पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन बावजूद इसके भारतीय चालाकी से कहीं ना कहीं से डाउनलोड का जुगाड़ बिठाकर वीडियो देख रहे हैं। 24 जनवरी को नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन ने इसकी स्क्रीनिंग रखी, लेकिन उससे पहले ही बिजली काट दी गई। आरोप यह भी है कि लैपटॉप और मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पत्थरबाजी की गई। इससे पहले विपक्ष के कई नेता सरकार पर आलोचना को दबाने का आरोप लगा चुके हैं। देश में मचे इस बवाल के इतर विदेशी मीडिया में भी डॉक्यूमेंट्री बैन की खबर सुर्खियां बटोर रही है। You may be aware that BBC has recently broadcast a documentary, a longish documentary on the Gujarat riots, which also says that Narendra Modi was the perpetrator of ethnic cleansing. Now, this is based on a secret document that apparently has come from the Foreign Office from 2002. Now, what is the Indian government's reaction to it? The British Prime Minister has spoken, but what has the Indian government said or done about it? You were giving some examples from the BBC documentary. I presume the one you're talking about was day before something like that. Do note that this has not been screened in India. So I am only going to comment on the context of what I have heard about the or have my colleagues have seen. Let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, a lack of objectivity, and frankly a continuing colonial mindset is blatantly visible. If anything, this film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling this narrative again. It makes us wonder whether about the purpose of this exercise and the agenda behind it. And frankly, we do not wish to dignify such effort. दावा किया गया है कि डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों को नई नजर से देखा गया है। इसमें कहा गया है कि 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ उसमें जातीय नरसंहार के पूरे निशान मौजूद थे और इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की थी। इसमें ब्रिटिश सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इसमें बीजेपी के पूर्व सांसद स्वपन दास गुप्ता का भी बयान है। पहले पाठ का फोकस गुजरात दंगे और पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों पर है, जबकि दूसरे पाठ में 2019 के बाद के नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखा गया है। सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने पीएम मोदी को सभी आरोपों से बरी किया हुआ है, ऐसे में उनके ऊपर लांछन लगाना गलत है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची भी नाराजगी जता चुके हैं। यह तो हुई भारत की बात, अब यह जान लेते हैं कि बाकी दुनिया में चल क्या रहा है। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने सुर्खी लगाई है, इंडिया ब्लॉक्स बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदीज रोल इन गुजरात रॉयट्स। भारत ने गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक की। इसका मतलब यह है, अल जजीरा ने लिखा है, भारत में डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, साथ ही इसकी क्लिप्स को सोशल मीडिया में चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड में मोदी के उदय को दिखाया गया है। मोदी उस समय गुजरात के सीएम थे। दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उनमें अधिकांश मुसलमान थे। हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन में आग लगने के बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें 59 लोगों की जान गई थी। पहली दफा यूके सरकार की उस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया था कि इन दंगों में जातीय नरसंहार के सभी निशान मौजूद थे। ब्रिटिश अखबार गार्जियन की सुर्खी है, इंडिया इनवॉक्स इमरजेंसी लॉज टू बैन बीबीसी मोदी डॉक्यूमेंट्री, यानी भारत ने मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के लिए आपातकालीन कानूनों का इस्तेमाल किया। अखबार ने लिखा,
मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के बैन होने से भारत में विवाद शुरू हो गया। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि दंगों के समय कैसे वेस्टर्न डिप्लोमेट्स और ब्रिटिश सरकार के मोदी के बर्ताव की आलोचना की थी। गुजरात दंगों के दौरान हुई हिंसा में मिलीभगत के आरोपों से मोदी लंबे वक्त से परेशान हैं। गुजरात पुलिस पर आरोप है कि दंगों के दौरान वो सीएम मोदी के साथ खड़ी रही और दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस पर ये आरोप भी लगे कि दंगों के दौरान उसने हिंदू चरमपंथियों का मौन समर्थन किया था। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्यूब्स ने लिखा, इंडिया ब्लॉक्स बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी। भारत ने पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया। अखबार लिखता है कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि गुजरात दंगों के दौरान 1000 से ज्यादा मुसलमानों की हत्या की गई थी। मोदी दंगों को रोकने में विफल रहे, इसके आरोपों से इनकार करते रहे। भारत की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ने लगातार मोदी को आगे बढ़ाया। 2014 में 2019 में मोदी की लीडरशिप में पार्टी ने जीत हासिल की। ढाका ट्यूब ने डॉक्यूमेंट्री की जेएनयू में हुई स्क्रीनिंग पर भी खबर चलाई। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता कैसे बीजेपी को घेर रहे हैं, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस के सुर क्या है। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई, सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ, एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई, डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस, लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? आई वी वुड लाइक टू रिमाइंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री दैट आपको वाजपेयी जी ने क्या कहा था मोदी जी, ऐसे ही प्रेस वार्ता थी, आपके राइट हैंड साइड, वाजपेयी जी के राइट हैंड साइड में आप बैठे हुए थे, उन्होंने कहा राजधर्म निभाओ राजधर्म। कौन से राजधर्म के लिए बोला? वही राजधर्म वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।